नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले ही छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले सियासत गर्मा गई है। मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी के इस दावे के तुरंत बाद सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर शब्दों का बाढ़ चलाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड प्रहार करते हुए कहा कांग्रेस ने महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा, तो भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी घबराई और बहुत डरी हुई। अब सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी राज्यों में कांग्रेस को घेरने में कामयाब होगी और क्या ईडी के चक्रव्यूह में बघेल फंस जाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे से जुड़े राजनीतिक बयान। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग इसका भुगतान करेंगे। असीम दाश ने यह कबूल किया
कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। अपने राजनीतिक बयान सुना, हम अपने पॉलिटिकल पैनल पर चलें, डिस्कशन शुरू करें, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या? आज देश का सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले फंडिंग के खेल में फंस गए बघेल? क्या अब ईडी के रडार पर आ गए भूपेश बघेल? बघेल पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी राज्यों में कांग्रेस का खेल खराब तो नहीं कर रहा? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। अशप्रीत सिंह काडियाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। अतुल सक्सेना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अकील खान, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो मेरे साथ है। मैं शिवम त्यागी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा इस डिबेट को। शिवम, ये जो आरोप है, आप देखिए, 7 तारीख को फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग है, 5 तारीख को कैंपेन खत्म होता है फर्स्ट फेज के लिए, आज 5 तारीख आप बात, ये बहुत लास्ट मोमेंट पे नहीं है पहला? और मेरा सीधा सवाल आपसे, भूपेश बघेल जो वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि साहब मैं भी किसी आदमी को गिरफ्तार करा दूं, और उससे कह दूं नहीं साहब प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, अमित शाह इन्वॉल्व है, तो कहा साहब नाम उछालना बदनाम करना तो बहुत आसान काम। शिवम त्यागी जी, एक बार फिर से आऊंगा। शिवम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीसीआर एक बार कनेक्ट करिएगा शिवम त्यागी से। ठीक है, आ रहा हूं। हमारे साथ अशप्रीत सिंह काडियाल भी है, कांग्रेस प्रवक्ता। अशप्रीत, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे अगर आप समझिए, एक दिन और मान लीजिए प्रचार का फर्स्ट फेज के लिए 24 घंटे मैच, और इस तरीके की चीज आए, महादेव ऐप पर एक लंबी बहस महीनों से चल रही थी, लेकिन जो लिंक ईडी ने दिया है और जो लिंक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो दिया है सीधे भूपेश बघेल, कोई और कांग्रेसी नेता का नाम ही नहीं दिया है, और वो बयान है असीम दास का, और बताया कि साहब 500 करोड़ के ऊपर हम दे चुके, और रिकवरी भी बहुत सारी है गाड़ी से जो पार्किंग में खड़ी। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, एक चीज देखने की जरूरत है, टाइमिंग। टाइमिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे, जस्ट बिफोर इलेक्शंस ये रेड जो है शुरू हो जाती है। अब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इलेक्शन है, ये रेड शुरू हो गई। कर्नाटका में जब इलेक्शन था, 67 कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ रेड्स की गई थी जस्ट इलेक्शन से पहले। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका हारी, हिमाचल में भी ऐसी कोशिशें हुई, हिमाचल हारी, यहाँ कोशिशें कर रही है, यहाँ पे भी हारेगी मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में। और भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है, ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, नर्वस है कि हम इलेक्शन में परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम अपने काम से लोगों को खुश नहीं कर सके, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके, इस वजह से ऑपोजिशन के लीडर्स की इमेज को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, रेड्स इनिशिएट करके, केस इनिशिएट करके। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर चले तो 95% केसेस जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रजिस्टर किए हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। और अगर आंकड़े देखें, 115 केसेस, 115 2014 साहब, मैं कमीशन रेट पे नहीं जाऊंगा, आपने, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, मैं
मेरिट ऑफ द केस में जा ही नहीं रहा, मैं कहीं नहीं रहा हूं कि असीम दास कौन है जिसने गवाही दी, जिसने कहा नहीं साहब हमने पैसा दिया, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं इसका पॉलिटिकल पार्ट समझना चाहता हूं कि अगर 24 घंटे पहले इस तरीके की चीजें होती हैं, इस तरीके का आरोप लगता है, तो क्या ये बेनिफिट टू बीजेपी है? क्या करप्शन चार्जेस का आरोप सीधे सीधे आपके सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल पर लग रहा है, जो मुख्यमंत्री है, जो जिन्होंने 5 साल सरकार को लीड किया है, आपके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है छत्तीसगढ़ के? देखिए ऐसा है, इस चीज का जवाब मैंने आपको पहले सेगमेंट में ही दे दिया था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी एजेंसी का दुरुपयोग करने की कोशिश करती है, अननेसेसरीली ऑपोजिशन लीडर्स को फ्रेम करने की कोशिश करती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हमें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने वोट के राही इनको जवाब दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिजरेबल डिफीट्स, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ जाता है साहब। तो इतिहास इस चीज का गवाह, आप देखेंगे बहुत जल्द टाइम भी इस चीज की गवाही भरेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का भुगतना पड़ेगा, दुरुपयोग जो एजेंसीज का करें। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप कोइंसिडेंस देखिए, क्या ये कोइंसिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के खिलाफ कोई ईडी, कोई आईटी, कोई सीबीआई रेड नहीं होती? स्नूपगेट का भी, लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं, दस सेकंड, स्नूपगेट का भी केस देखने को मिला, क्यों सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को ही एप्पल द्वारा अलर्ट्स आए, वार्निंग्स आई, क्यों एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं था? तो साहब ये लोगों को ना क्लैरिटी है, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स है वहां पे लोगों को पूरी क्लैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के लिए कर नहीं सकी, इस वजह से ऑपोजिशन के लीडर्स को फ्रेम अननेसेसरली करके, विदाउट एविडेंस, विदाउट गवाह, विदाउट एनी करके उन्हें बदनाम करने की बात कही मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा साहब मैं किसी आदमी को आज गिरफ्तार कर लूं, पुलिस मेरे पास, वो कहते नहीं साहब अमित शाह जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, नड्डा जी थे, कहा किसी का भी नाम उछाल लीजिए, किसी को भी बदनाम कर लीजिए। अब तो 5 तारीख को पहले फेज का प्रचार खत्म हो जाएगा, ऐसे में बिल्कुल लास्ट में, और कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कहा साहब जितना भी उपयोग कर लीजिए या दुरुपयोग कर लीजिए एजेंसीज का, जीतेगी तो कांग्रेस ही। शिवम त्यागी जी, देखिए एक चीज तो है कि हाँ कांग्रेस एक चीज में तो जीतेगी, इस बात से मैं भी आपके पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है तो वो कांग्रेस है, और वो कांग्रेस जीतेगी, उसमें हमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हमेशा से जीतते भी आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, हमेशा से ही टॉप, सबसे टॉप पे रहे हैं। अब ये इत्तेफाक की जो लगातार आप बात कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक की ही बात करता हूं। 2004 से 2014 तक ईडी ने जो पैसा कलेक्ट किया अलग अलग रेट से, वो था 4,156 करोड़ रुपया। 2014 से 2023 तक अगर हम बात करें तो 1,21,355 करोड़ रुपया अभी तक ईडी कलेक्ट कर चुका है, उसकी प्रॉपर्टीज तमाम, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ रुपए की संपत्तियां तो ईडी जब्त कर चुका है, यानी कि दैट द केस इज डिसाइडेड और लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। अब थोड़ा सा केस पर भी आता है, आप मुझे एक चीज बताइए, एक रेड लगती है, रेड में पैसा मिलता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, 5,39,00,000 रुपए के करीब, वहां पर जो व्यक्ति मिलता है वो एक व्यक्ति का, जो दास जो है उनका कबूलनामा है, वो एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं जिसका नाम शुभम सोनी है। शुभम सोनी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमने अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी के बघेल को 509 करोड़ रुपए दे दिए हैं अभी तक। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हम क्या किसी मतलब ब्रुहाहा लैंड में रहते हैं? यहां पर कानून नहीं है, यहां पर कोर्ट्स नहीं है, और वकील बनने का बड़ा शौक है बघेल जी को। मैं तो कहना चाहता हूं बनिए ना वकील, वो जो लोग बैटिंग केस में फंसे हुए हैं, जो गए हुए हैं, बचा दीजिए उनको जाकर एक बार। आप मुझे एक चीज बताइए, कब तक आप इसको प्रोपेगेंडा करार देते रहेंगे? इनके मंत्री जेल में जाते हैं, पार्थ चैटर्जी बंगाल से गए, आज तक बाहर नहीं आए, नहीं। अभी कल परसों एक और गए हैं पीडीएस स्कैम में, वो तो कहते हुए गए हैं कि ममता जी को सब पता है, ममता जी को सब पता है। शिव जी, क्योंकि आपने केस की क्रोनोलॉजी डिस्कस करी, असीम दास और गिल्स का नाम दिया, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन इसमें एक पक्ष और था जिसको मैंने पढ़ा सुना, अगर मैं कहीं गलत हूं तो एक बार बताइएगा। महादेव ऐप 1.5-2 महीने से चर्चा में हमारे आपकी, ठीक है आते हैं आपके पास एक बार, अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी से, उसके बाद अखिल खान साहब आपके पास। अतुल सक्सेना जी, अब आप कहिए साहब दुरुपयोग है, प्रयोग है,
एजेंसीज हैं अपना काम कर रही हैं, उनको लीड मिल रही है। अब पक्ष कहता है कि नहीं साहब हम तो है ही नहीं, ये तो एजेंसी जांच कर रही है, ये रहा मनी ट्रेल, ये रहे गवाह, कोर्ट में चले जाइए। जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है विपक्ष, वो कहता है कि साहब आप अननेसेसरली परेशान कर रहे हैं, हम लोग की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनावी मौसम में ऐसा जरूर होता है, किसकी बात सही माने जनता? सक्सेना जी, रजत जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई हैं, इन्हें भी केवल इलेक्शन के समय में जो लिस्ट दी जाती है ना भाजपा के यहाँ से कि भाई फला इलेक्शन आने वाला है और आपको फला जा करके पार्टीज के यहाँ लोगों को उठाना है, रेट डालनी है, क्या इन्हें भाजपा के लोग नहीं मिलते हैं? आप मुझे बताइए, पिछले 6 महीने का, साल भर का डाटा उठाइए, उसमें क्या किसी ईडी ने, सीबीआई ने बीजेपी के किसी नेता के यहाँ छापा मारने का काम किया है? आप मुझे ये सवाल है, दहा सवाल भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 3 दिन पहले एक पुल का उद्घाटन करने गए थे और वो पुल जो है 24 घंटे के अंदर जो है दरक जाता है, इसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इसकी इसमें ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इस पर कोई कार्यवाही होगी कि नहीं होगी? दूसरा, जो आदमी बीजेपी में चला जाता है उसको एक बीजेपी के पास एक ऐसी वाशिंग मशीन है, थोड़ा थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा मामला यहाँ पर अलग है। सक्सेना बात समझिए, ज्वाइन कर ले, कोई ब्रिज का उद्घाटन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बीजेपी की तरफ हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ हूँ या भूपेश बघेल जी की तरफ, नहीं, मैं एज अ कॉमन मैन, एज अ जर्नलिस्ट साहब से पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी को काम दिया, पत्रकार घर पे करने के लिए, और आपको जो है, आप एक पत्रकार है रजत जी, आप जो चीज देख रहे हैं सुन रहे हैं वही आपको जनता के सामने रखनी पड़ेगी, वही मैं बता रहा हूँ। आपने जो उदाहरण दिया वो यहाँ मैच नहीं होता। अगर कोई ठेकेदार है उसने गलती करी है, आप अपने दिल के लिए योगी आदित्यनाथ पर हाथ रख के बताइए मुझे, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं वो ये कह नहीं रहे कि हमने एक्स वाई जेड को पैसा दिया, वो तो सीधे कह रहे हैं भूपेश बघेल को पैसा दिया। अच्छा एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ जी केवल पुल का उद्घाटन करने के लिए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी केवल पुल का उद्घाटन करने के लिए हैं? मतलब यदि जो अच्छाई होगी, यदि पुल सही होगा, वाहवाही मिलेगी तो योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगी, सब ठेकेदार को नहीं मिलेगी। जो गलत है वो गलत है, अगर वो पुल टूटा है उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ठेकेदार था जिसने काम लिया था उसको जेल के पीछे डाल दीजिए। लेकिन अब आप कहीं नहीं साहब, ये बात है, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं? मैं इस तर्क से थोड़ा सहमत हूँ। आ रहा हूँ अखिल खान साहब के पास जा रहा हूँ। अखिल साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी की तरफ जाइए, कांग्रेस की तरफ जाइए, क्या सही है क्या गलत है छोड़ दीजिए, इसका क्या, आ रहा हूँ सक्सेना साहब, आ रहा हूँ एक मिनट अखिल खान जी के पास। अखिल खान जी, इसका चुनाव पर असर क्या पड़ेगा, खासतौर से छत्तीसगढ़ में? रेड्स राजस्थान में भी हुई है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है बिल्कुल सामने देखिए, वोटिंग है 7 तारीख को, आज रेड हो रही है, सीधे चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर भरी रैली से बोल रहे हैं कि नहीं साहब क्या हो रहा है ये सब, जो आदमी पकड़ा गया है वो भी चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहा है, तो इसका सिनेरियो क्या होगा, ऑन ग्राउंड रिएक्शन क्या होगा, या चुनाव उससे आगे निकल चुका है, ये आरोप प्रत्यारोप ईडी सीबीआई डीआरआई चलता रहता है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता। अखिल खान साहब, देखिए रजत जी, हमें राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है 5 स्टेट के, और इससे डिसाइड हो जाएगा कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। और अभी तक की जो एनालिसिस है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जितने भी लोग हैं एक्सपर्ट हैं, उनका यही कहना है कि बीजेपी तीन राज्यों में तो कोई चांस ही नहीं है, दैट इज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और मिजोरम में तो मतलब, और तेलंगाना में तो मेरे ख्याल से 0 इनका परसेंटेज है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मैं कोट करना चाहूँगा, महाराष्ट्र का एक डिक्टम है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। पूरे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर किसी को ये बोलती है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इसका मतलब ये है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, वो ईमानदार लोग हैं, इसलिए ये भ्रष्टाचारी बता रहे हैं उन्हें। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, 24 लाख करोड़ जो है मोदी जी ने राइट ऑफ कर दिया लोगों को, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इन्होंने अभी जो काम कर रहे हैं किसी तरह फंसाने की कोशिश, उसके पहले मनीष सिसोदिया और सत्येन जैन और हमारे संजय सिंह जी, तो ये जो इस तरह का इन्होंने एक्शन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया जी के लिए साफ साफ ये कहना था
कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और सिर्फ दो मिनट लगेंगे जैसे ही आप ट्रायल स्टार्ट करोगे। आप ट्रायल स्टार्ट इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इस चीज का। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि जिस पार्टी को देश के लिए देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए था, जिस पार्टी को देश के अंदर विकास की राजनीति करनी चाहिए थी, और जो प्रधानमंत्री जी बोलते आ रहे हैं कि मैं जो हूं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका उल्टा रिवर्स ये एक्शन है कि सिर्फ मैं खाऊंगा और मेरे साथ जो आएंगे बाहर से जिनको मैं लेकर के आऊंगा 5,000 करोड़ चाहे 70,000 करोड़ चाहे कितने हजार करोड़ खा करके, जिनके अगेंस्ट में हमने अपना जो है सीबीआई लगाई थी, उन सबको विड्रॉ कर लिया और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो मतलब ईमानदार हैं। छत्तीसगढ़ का आप बताइए, हाँ। क्या जरूरत थी अभी, आपने क्या किया है देश के लिए वो आप बताइए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या नहीं किया है जनता के लिए वो तो आप इन बात को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप सिर्फ इस बात को है आपके पास कोई काम नहीं है। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो देखिए बगल में विजुअल भी चल रहा है, आप देख पा रहे हैं विजुअल्स? नहीं देख पा रहे तो एक एलईडी और लगवा दूं, दिख रहा है कि नहीं आपको विजुअल से? ये कोई हमने विजुअल नहीं डाला है, बीजेपी ने भी नहीं डाला है। ये जो सीजर हुआ है टोयोटा गाड़ी से जो बेसमेंट में खड़ी थी, ये सीजर वाले विजुअल दिखा रहे हैं आपको। तो जब ये विजुअल सामने आते हैं, ट्रेल सामने आती है, तब आदमी सोचने को मजबूर होता है कि नहीं साहब कहां जा रहा है। मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि ग्राउंड पर इसकी रियलिटी क्या होगी। आपको बीजेपी पसंद है नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है नहीं पसंद है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, मैं भी नहीं जाता। सवाल नहीं है राजन, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर नोट मिल रही है, लगातार करेंसी दिख रही है बिल्कुल, और उसके बाद सीधे आरोप लग रहा है, कोई आदमी अकील भाई आपका नाम क्यों नहीं ले रहा है कि हमने अकील खान को दिए 500 करोड़ रुपए, क्यों नहीं कोई आदमी बोल रहा है बताइए। देखिए एक डिक्टम और बता दूं मैं, पेनी वाइज पोन फिलिश, लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाले हो रहे हैं, लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं हमारे देश में, उसको आप छोड़ करके एक विजुअल दिखा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वही इन्वॉल्व है? जब तक मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कोर्ट नहीं, मैं कहता हूं इन्वॉल्व है, ठीक है यार, अश्विनी सिंह खाड़ियाल जी पर खड़े साहब, इसमें एक पक्ष और आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं खान साहब, आ रहा हूं आ रहा हूं, ये मीडिया अश्विनी सिंह खाड़ियाल साहब के पास जा रहा है, एक भ्रमित खड़े साहब, इसमें एक पक्ष और है, मैं चाहता हूं क्योंकि जब इस पर बहस हो रही है तो उस पक्ष पे भी आप थोड़ी रोशनी डालिए। आ रहा हूँ अकील खान साहब, आ रहा हूँ एक मिनट आ रहा हूँ, इस तरह की चीजें स्पॉन्टेनियस आप बोलेंगे कोई फायदा नहीं होगा। पीसीआर म्यूट कर दिए खान साहब को, एक सेकंड पीसीआर म्यूट कर दिए, आगे बढ़िए। अश्विनी सिंह खाड़ियाल साहब के पास जा रहा है, खड़े साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोल बार अभी कुछ दिन में हो जाएगा, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए ना, बहस क्यों खराब कर रहे हैं खान साहब, एक मिनट रुक जाइए, सबको मौका दीजिए ना, 3.5 मिनट पूरे आपको दिए ना, या तो कह दिए पूरे फ्रेम में आपको रख दूं, आप बोलते रहिए। अश्विनी सिंह खांडियाल जी, खांडियाल साहब एक चीज और मैं पढ़ रहा था, थोड़ा उस पर रोशनी डाली और जनता को बताइए उस बारे में, ये जो पूरा मामला था क्या ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ही दर्ज कराया था, पहला, दूसरा क्या फाइंडिंग्स थी उसकी, और तीसरा क्या ऐसा भी था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लिख दिया था और बता दिया था कि हमारी रीच से बाहर है ये लोग, रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन बाहर है, आप इसमें जांच आगे करिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। कांजल साहब धन्यवाद सवाल के लिए, मुझे काइंडली अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दे दीजिएगा सबके सवालों के जवाब देने। पहली बात देखिए, ऐसा है यहाँ पे जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। मैं इनको जरा कानून समझा दूं और पढ़ा दूं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को पढ़ लीजिए, वो बड़ा क्लियरली कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपको निर्दोष माना जाएगा जब तक आप पे जो दोष लगे हैं वो साबित नहीं होते। दोष लगाने को मैं 10 लगा देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स पे, उससे प्रूव हो जाएगा कुछ? एक तरफ कह रहे हैं प्रूव अंडर वे है, दूसरी तरफ फतवा खुद सुना रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपोगंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, इनका मोटिव है, इनकी मंशा है कि ऑपोजिशन लीडर्स की इमेज को, छवि को खराब कर दें, क्योंकि वैसे तो हम जीत नहीं रहे हैं, ये भी कोशिश करके देख ले, लास्ट डिच एफर्ट है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी करिए। दूसरी बात, यहाँ शिवम त्यागी जी बैठे हैं, त्यागी जी बड़ी अच्छी बात कुछ कनेक्शन कहते हैं, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, शिवम फिलहाल हमारे साथ नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू है, अगले 5 मिनट पे हमारे साथ होंगे, बता दूं वरना आप कहेंगे नहीं साहब मैंने बोल दिया था।
कंटिन्यू करिए जी। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, यहाँ बात कर रहे थे करप्शन की। अब भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, हम बिल्कुल करप्शन नहीं जरेंगे। इनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा, जब अगर आ गए प्रवक्ता को जवाब नहीं है चले जाते हैं, इनसे पूछिएगा जिन लोगों के खिलाफ ईडी के केस पेंडिंग थे उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कैसे कर लिया, नारायण राणे साहब को कैसे कर लिया, मुकुल रॉय साहब को कैसे कर लिया, शुभेंदु अधिकारी साहब को कैसे कर लिया, बिस्वा शर्मा साहब को कैसे कर लिया, ये चीज का जवाब देने की किया नहीं किया, ये गलत था कि नहीं था। तीसरी बात मैं इनको समझा दूं कि जो ईडी डायरेक्टर साहब है ना, उनको रिपीटेड एक्सटेंशन मिलती गई कि टेन्योर बढ़ता गया इस चीज के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की, इलीगल और इनवैलिड इसको घोषित कर दिया था, उसके बावजूद सितंबर 15, 2023 में जाके टेन्योर खत्म हो रहा है आपका, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? अब सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या सरकार बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है और उसके बावजूद सरकार सुनना नहीं चाहती, उसका कारण क्या, ये भी पूछ लीजिएगा इनसे। अगली बात यह है साहब कि आप देखिए ऑपोजिशन पार्टीज ही क्यों टारगेट हो रही है, INC से लेके, शिवसेना से लेके, NCP से लेके, TMC से लेके, RJD से लेके, आप से लेके, CPIM से लेके, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ ही ईडी आईटी CBI क्यों मूव करती है? इसका कारण बड़ा सिंपल है, भारतीय जनता पार्टी को पता है इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ स्टेट इलेक्शन में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी, 2024 के इलेक्शन में भी जो जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी ने किए है उसका जवाब देगी, ये डीथ्रोन होंगे, कुर्सी इनसे छीनी जाएगी, लोग छीनेंगे और लोग इनको जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को एक रिक्वेस्ट है, आप ना आंकड़े उठा के देख लीजिए पिछले कुछ इलेक्शंस में क्या हुआ, 500 रिकंटेस्टिंग जो MPs MLA थे उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गया जब ईडी की रेड शुरू हो गई। और एग्जैक्ट अगर नंबर की मैं बात करूं तो साहब वो नंबर है जो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गया आफ्टर द ईडी रेड्स, एटलीस्ट 100 से ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ईडी की रेड करो, छवि खराब करो, कोशिश करो अपनी पार्टी में शामिल कर ले। एक सवाल और आपसे, थोड़ा सा प्रवक्ता पद से हटकर, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, मेरिट ऑफ द केस क्या कहता है इस पूरे महादेव ऐप मामले में, जो कड़ियां हैं, अगर आपने केस देखा हो? मैं देखिए मान सकता हूं, ये कहता है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता पद, थोड़ी देर के लिए इस सवाल के लिए थोड़ा देर के लिए अलग रख दीजिए प्रवक्ता वाला पद, अधिवक्ता के तौर पर ये जो मेरिट ऑफ द केस है वो क्या कहता है? धन्यवाद साहब सवाल के लिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं इस चीज का जवाब आपको एज वकील ही दे देता हूँ, बिकॉज मैं रेगुलर प्रैक्टिस भी करता हूँ। कि साहब आपने पूछा मेरिट क्या है इस केस में, साहब मेरिट ये है अगर मैटर सब जुडिस है, अगर मैटर सब जुडिस है तो उस पे ना तो बात हो सकती है ना उस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं। तो मेरिट क्या है ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना है जब केस जाएगा। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MPs और MLAs है ना, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा केसेस BJP के लीडर्स पे, इलेक्टेड लीडर्स पे हैं। तो अगर ये कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जिसपे केस हो गया, केस होने से बंदा घोषित, इंसान जो है वो दोषी घोषित हो जाता है, तो सारे लीडर्स को बर्खास्त कर दीजिए, बाय इलेक्शन करवाइए अपनी पार्टी में से, निष्कासित कीजिए उन्हें। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दौरे मापदंड है साहब, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है, देश जानता है, और इस चीज का जवाब बड़ी जल्दी मिलेगा इनको। ठीक है, यार अतुल सक्सेना जी के पास, सक्सेना जी दोबारा आपके पास, क्या जो एजेंसीज हैं ईडी CBI IT DRI, मैं जनता की नब्ज आपसे समझना चाह रहा हूं, जब ये रेड्स करती हैं, रिकवरी होती है, मामला दर्ज करती है, खासतौर से पॉलिटिशियंस पर, पब्लिक इंप्रेशन क्या है, या क्या एक परसेप्शनल डेंट है, ये सही गलत का फैसला थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा साल लगता है, कन्विक्शन रेट में नहीं जाऊंगा, वो 2% के नीचे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, ठीक है, देखिए उस पर एजेंसीज का भी कहना है व्हाइट कॉलर है, कोई सबूत मिलता नहीं है हमारे पास, कोर्ट कहती है सबूत लाओ, बिना उसके हम करेंगे नहीं, आपने 3 साल अंदर रखा, 4 साल, क्या एक परसेप्शनल डेंट होता है ये किसी भी राजनेता के लिए जब इस तरीके के आरोप लगे, एजेंसीज या गिरफ्तारी हो या पेशी हो
या सम्मन भेजा जाए। बहुत सारे उदाहरण है पिछले 3 महीने। देखिए रजत जी, क्या है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा रहता है, और चूंकि जब किसी आदमी के पास, बीजेपी के पास चूंकि बताने में कुछ है नहीं, तो क्या बताएंगे, किसी को बदनामी कर लें। भाई बीजेपी के पास अपने कार्य तो बताने के लिए है नहीं, तो कम से कम किसी पे डेंट ही मार लें। अब छत्तीसगढ़ की यदि आप बात कर रहे हैं, आप विजुअल दिखा रहे थे टोयोटा गाड़ी का और तमाम नोट आपने दिखाए, तो क्या आप सोचते हैं छत्तीसगढ़ में पिछली बार यदि हम देखें 14 सीट पे भाजपा थी, तो अब क्या ये विजुअल दिखा करके 14 सीट से, ये जैसे कर्नाटक में इनका हाल हुआ, तो मैं समझता हूँ 14 सीट से सीटें नंबर जो है नीचे ही जाएंगे। तेलंगाना में ये लोग 1 पे हैं, तो ये नंबर 0 पे ही जाएंगे, क्योंकि जनता जो है ना अब समझ चुकी है, जनता बीजेपी की ढोकली बकवास बातों को समझ चुकी है कि भाजपा वालों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ये केवल जो है बकवास करेंगे, झूठे वादे करेंगे, गुमराह करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे। जिस तरीके से कर्नाटका में इन्होंने हिजाब का इशू छेड़ा, हुआ क्या रिजल्ट, आपने देखा, सबने देखा है किस तरीके से कर्नाटका बीजेपी में हारने का काम किया। इसी तरीके से आप देखिए अब ये यहाँ पे आ गए, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ये 14 पे रह गए थे। तो बेसिकली अब चुनाव 3 दिसंबर नज़दीक ही है और परिणाम सबके सामने होंगे। जिस तरीके से भाजपा के ने, देखिए आज तक जो पिछली सरकारों के द्वारा करे गए कार्य, केवल उसके उद्घाटन को उद्घाटन करने का काम किया है। और मोदी जी, अभी मैं आपके टीवी चैनल पे चलता हुआ एक स्क्रीन पे देख रहा था कि नारी के सम्मान के लिए कुछ यहाँ लिखा हुआ आ रहा था कि नारी को हम सम्मान देने के पे हस्ताक्षर करूंगा। अरे नारी के सम्मान देने पे हस्ताक्षर करेंगे, आप ये बताइए आज तक नारी के सम्मान में आपने करा क्या? उत्तर प्रदेश में आपने नारी की साड़ी खींचने का काम करा, जिस तरीके से पंचायत के चुनाव हुए आपने देखा होगा रजत जी, किस तरीके से भाजपा के लोगों ने नारी की साड़ी खींचने का काम किया, किस तरीके से यहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कितने रेप की घटनाएं बढ़ गई है, NCERB का डाटा कहता है। तो ये नारी के सम्मान की जो बात करते हैं केवल सिर्फ दिखावा है। अरे वो आदमी नारी का सम्मान कैसे करेगा जिसने अपनी ही नारी का सम्मान नहीं करा? भाई मोदी जी की यदि मैं पत्नी की बात करूं, तो मोदी जी अगले बगले झांकने लगते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो लोग नारी रहित हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हैं, इन्हें क्या पता एक नारी का सम्मान कैसे किया जाता है? तो ये हस्ताक्षर करने वाली बात है, ये केवल झूठे वादे हैं, केवल कुर्सी को फिर से हथियाने वाली बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 2014 और 23 में फर्क है रजत जी। आप देखिए 2014 से लोगों ने देखा कि मोदी जी अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, खाते में शायद कुछ आ जाएगा। 15 लाख की बातें हुई थी, शायद 150 रुपये आ गए हों किसी के खाते में, पता नहीं। जनधन योजनाएं खिलाई, नोटबंदी करी, ना जाने कितने लोग नोटबंदी में जो है बेचारे बेहोश हो गए, पर मोदी जी ने अपनी माँ को जरूर लाइन में लगवाने का काम किया। और रजत जी, चाहे मैं ये बात आपके सामने भी स्पष्ट कर दूं कि हम लोग तो बहुत छोटे से हैं, शायद मैं भी अपनी माँ को जो है ना नोटबंदी वाली लाइन में लगवाने का काम नहीं करूंगा। हम क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बैठो, मैं आपको यदि पैसों की जरूरत हो तो आ रहा हूं। सक्सेना जी, आपका पॉइंट ले लिया आपने, परंतु मोदी जी की आवाज मिल रही है आपको, से दुनिया सब चुकी है जी। ठीक है, जो एक पक्ष था, जो खाद्यान्न ने भी और मैंने भी सुना, जो सिंघवी साहब वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा ये जो ऐप था, इसकी जो प्रथम कोतवाल यानी पहली जो मामला शुरू हुआ था, जो पहली FIR करी वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करी थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद जो मेन किंग पिन थे वो दोनों रहने वाले छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन आउट ऑफ इंडिया बेसिस आपको चला रहे थे, ये मेंशन है रिपोर्ट में। उसके बाद सेंटर एजेंसी को और केंद्र सरकार को ऐसा दावा किया है सिंघवी जी ने कि हमने लिख कर और बताया भी कि नहीं साहब, ये हमारी रीच से बाहर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसी इस पर काम करें। आपका साक्षात्कार। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्याल जी, मैं भागा नहीं था, शिवम त्यागी भागता नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी। वो कैमरा थोड़ा सा खराब था जरा इंडिया न्यूज का, बट कोई बात नहीं, आवाज मैंने आपकी सारी सुनी। जब रजत टंडन ने आपसे पूछा कि इसका केस का मेरिट जरा मुझे बताइए, तो आपने बड़ा गोल गोल बातें घुमाकर कि हाँ आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसके मेरिट पर बात नहीं करूंगा क्योंकि कोर्ट अभी केस प्लीज आप इनको बीच में मत बोलने दीजिए। केस आपका जो है अभी मेरिट, अभी जो है ट्रायल में है, केस अभी मामला चल रहा है कोर्ट में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे टिप्पणी? क्योंकि पोल खुल रही है आपकी। अब सुनिए जरा, मैं टिप्पणी कर रहा हूं कोर्ट पर, इसको क्रॉस करिएगा जरा। यहां पर इनके ASI चंद्रभूषण वर्मा के घर से 65 करोड़ रुपए मिले, ASI
मात्र एएसआई कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होती, 65 करोड़ रुपए, उस 65 करोड़ रुपए में जो हिस्सेदारी और इस 65 करोड़ रुपए पकड़े जाने एएसआई वाले व्यक्ति का जो संबंध मिला वो विनोद शर्मा से मिला। विनोद शर्मा कौन है? सीएम सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार टू चीफ मिनिस्टर विनोद शर्मा बघेल साहब को। रिटर्न स्टेटमेंट में है कि पैसे ऊपर तक गए हैं। प्लीज आप इनको बीच में मत बोलने दीजिए। मैं बोला था शिवम भाई, मैं ये सारा ट्रेल है, ये सारा मैंने बोला था, नकली नहीं है। देखिए आप क्योंकि विनोद शर्मा कह रहे हैं, जो मेरी जानकारी वो विनोद वर्मा है, तो या तो आप सही होंगे या मैं सही हूँ, इसलिए मैंने फैक्चुअली आपको करेक्ट करने की कोशिश। विनोद वर्मा नहीं विनोद वर्मा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, विनोद वर्मा जो राजनीतिक सलाहकार है चीफ मिनिस्टर के, उन तक से उनके तार दिखाई दे हैं जुड़ते हुए, और ये सब रिटर्न में है, और ईडी कह रहा है भाई कि पैसा एक एक जगह गया है, इसका पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आज जब 509 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो ये आप जस्टिस हैं क्या? आप इनको प्लीज मैं जज नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़कर आता हूँ, मैं नकली वकील नहीं। अश्मित ये गलत होगा, देखिए वो नहीं थे वो समय में, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक बार अश्मित एक बार वो अपनी बात रख ले, जहां भी गलत होगा एक बार उनको अपनी बात रख लीजिए। शिवम त्यागी मेरे सवालों का जवाब लीजिए, बिल्कुल देंगे, एक बार उनका समय दीजिए उनको। मेरा ये मानना है जो जिसका समय ले लीजिए, उसके बाद जहां जहां आपको लगता है कि नहीं साफ एक्चुअली गलत है आप सही कर लीजिए। शिवम कंप्लीट करिए, 1.5 मिनट आपके पास। थैंक यू। नकली वकील बन जाने से, फैक्ट्स पर कमेंट ना करने से बच कर भाग जाओगे। 509 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं, 65 करोड़ रुपए फिर आप इनको बीच में बोलने दे रहे हैं। शिवम वो देश के शिवम कंप्लीट करिए, आपने रोका उनको, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वकील? उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल टिप्पणी की, आपने रोका उनको। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, आपने रोका उनको। आज इनको आपको पर्सनल लग रहा है, बताइए मुझे कैसे बोला वकीलों के? अनबिलीवेबल, कैसे बोला कुछ नहीं बोला मैंने, आप बेकार नकली वकील है, आपके पास टिप्पणी करना नहीं। कैसे बोला आपने? आपको केस की पता नहीं है, केस का वो पता नहीं, इसकी माफी मांगी, कुछ नहीं बोला, चुप रहिए। एक मिनट प्लीज राजेश साहब, मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। जस्टिस सिंह कादियान वकील है, बताइए सवाल क्या पूछा है? एक मिनट नकली वकील है आप, बिल्कुल क्या है माहौल बहस का खराब करने से कुछ नहीं। अकील खान साहब प्लीज, नहीं बिल्कुल नहीं, पीसीआर म्यूट करिए, पीसीआर खान साहब को म्यूट करिए, तुरंत म्यूट करिए। कादियान साहब एक मिनट रुकिए, नहीं पीसीआर म्यूट करिए, म्यूट करिए एक मिनट। शिवम त्यागी अपनी बात कंप्लीट करिए और प्लीज कोई पर्सनल टिप्पणी। थैंक यू। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री पर पर्सनल टिप्पणी हो रही थी आपने उनको रोका? जब इस देश में मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी हो रही थी योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने उनको रोका? नहीं रोका। मैंने बिल्कुल बोला, मैंने सक्सेना जी से बिल्कुल बोला कि आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट इंक्रोचमेंट नहीं है, आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। अब रजत जी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं बस केस के सिलसिले में विषय रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं तो सुनने की क्षमता रखें। अब मैं आगे आता हूं। थैंक यू। जिस एएसआई पर 65 करोड़ रुपए मिले, उस एएसआई के लिंक जो है राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जो भूपेश बघेल के हैं उनसे संबंध मिले, ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई, और जहां तक ये तक भी पता चल रहा है कि जो चंद्राकर है, ये इनका नाम है सौरभ चंद्राकर, जो कि पूरे तरीके से महादेव ऐप को लेकर ढूंढ रहे थे, उनका संबंध दाऊद से मिल रहा है, और ये सारी चीजें पैसा राउट होकर इंडिया में आ रहा है छत्तीसगढ़ में, और यहां पर बैठकर ये कहते हैं नहीं नहीं, ये अभी कहा इन्होंने जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, अभी करने की क्या जरूरत है? मतलब देश में पैसा आ रहा है, ये कह रहे हैं अभी करने की क्या जरूरत? अनबिलीवेबली रॉन्ग। क्या मुझे 2 मिनट नहीं मिल सकते बोलने के लिए 30 मिनट में? आप कंप्लीट कीजिए, मैंने पूरा वक्त आपको दिया। मैं चाहता हूं एक और चीज कही, यहां पर सर तो बोलने दीजिए ना, वो देखिए ना बीच में लगातार बोलने जा रहे हैं, मैं तो नहीं बोल पाया उनके बीच में। अब मैं आगे आना चाहता हूं प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं। कादियान साहब 40 सेकंड और एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उनका वक्त पहले भी कम था। 40 कादियान साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 40 सेकंड और। शिवम त्यागी जी अगर डिबेट करनी बस की नहीं हो तो जबरदस्ती बीच में क्यों कूदते हो? 30 मिनट में तो कुछ कर नहीं पाए। थैंक यू। अब आगे आता हूं, एक और चीज कही यहां पर अकील खान ने, आप इनको रोकेंगे? रजत जी प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सच्चाई बोलने लगे, मुझे रखने दीजिए अपना पॉइंट पर, होगा ना ये खूब रखे, मैं नहीं बोलूंगा बीच में, मैं नहीं बोलूंगा, रखिएगा। या तो आप लोग आपस में बहस कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन पे रख देता हूँ।
कादियान साहब, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने आपको तीन बार मौका दिया, तीनों बार आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अकील खान साहब चिल्ला जरूर रहे, पूरा पूरा रिकॉर्डिंग उठा लिए, पूरे 4.5 से 6 मिनट इनको दिए, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर शिवम अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप तीनों लोग दो दो बार पॉइंट रख चुके हैं, तो उनको भी अपने पॉइंट रखने का मौका दीजिए। जवाब कादियान साहब आपकी को देना, उसके बाद खान साहब आप पर। शिवम त्यागी, फैक्चुअली करेक्ट बयान, आप अपने वक्त पे करेक्ट करिएगा ना साहब, जब वो अपनी दलील रख रहे हैं उनको रखने दीजिए। शिवम त्यागी, कोर्ट में इतना तो समझाते ही होंगे ना आपको। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अकील खान ने कहा कि देखिए ये कट्टर ईमानदार लोगों पर रेड हो रही है, यही रेड, यही मनीष सिसोदिया, जब मनीष सिसोदिया को जेल डाला गया और जब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन गया, पता है कौन कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने ये कहा, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और किंग पिन तो केजरीवाल ही है। अजय माकन और राजेश चौधरी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है के अरविंद केजरीवाल इस मामले के किंग पिन है, वो मेन आर्किटेक्ट ऑफ द शराब घोटाला है, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। भैया पहले अपने आप में तय कर लो, छत्तीसगढ़ में लगता है छापा तो केजरीवाल जी को बिल्कुल अच्छा लगता है, जब केजरीवाल जी पर छापा लगता है तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। तय कर लो कौन भ्रष्टाचारी है या नहीं है, अपने घर में घमंडिया में तय कर लो। पॉइंट्स उठाए, एक मिनट अकील खान साहब, आपको पॉइंट बाद में, पहले कादियान साहब, ए नहीं, एक मिनट 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 अकील खान साहब बोला है, कादियान साहब अश्वनी सिंह कादियान, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम त्यागी ने बेकायदा क्रोनोलॉजी के हिसाब से इस पूरे केस के बारे में बताया कि साहब क्या है, केस में क्या नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मुख्यमंत्री का, एएसआई से पैसे बरामद हुए, चंद्राकर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है दाऊद इब्राहिम। अच्छा, अब आपका जवाब। हाँ। देखिए ऐसा है, देखिए, एक तो पहले मैंने जितने सवाल पूछे थे उनमें से एक का भी जवाब नहीं इनसे दिया गया। यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये रटी रटाई बातें करके, झूठ बोल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज उनको बताएंगे, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि घोटाले वालों के रिश्तेदार हैं आपके, कौन है बताइए जरा, चंद्राकर कौन है बताइए, सुनने का माता है, इनको चुप करवाइए, चंद्राकर बताइए, इनको म्यूट कीजिए, अब सुनने का मादा नहीं है, अब सुनने का मादा तो रखिए, रहता नहीं जवाब है, कुछ भी आप तो तीन चार पॉइंट आपने रखे हैं, जो तीन चार पॉइंट रखे हैं बोलिए, एक बार कादियान साहब को बोले दीजिए। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये चीज भूल जाते हैं, आप इनसे जवाब ले लीजिएगा। अरे साहब आप एक सेकंड, अरे रजत जी ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, काइंडली इनको म्यूट कर दीजिए क्योंकि बौखलाहट और घबराहट सामने आ रही है, बौखलाहट सामने आ रही है। सुन लो सीखो थोड़ा, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, एक मिनट हिंदुस्तान हिंदुस्तान देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये चीज भूल जाती है। यहाँ पे सरकार को, एक सेकंड, सरकार को सवालों के जवाब देने की आदत डालनी चाहिए। अरे एक सेकंड हो गया, बोलिए। सवाल तो आप करके लोगों का टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आप दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, आप यहाँ पे जज भी बन गए, आप यहाँ पे ईडी बन गए, आप यहाँ पे डिबेट आदि खराब हो चुकी है। रजत जी आपने मुझे तो इंटरप्ट कर, मैंने दो बार बोला शिवम, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। अरे रजत जी क्या भाई, मैं तो सवाल पूछा, जवाब दीजिए, मैं चुप बैठा हूं। देखिए ऐसा, अरे आप है कौन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ तो लीजिए जाके, कहता क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा आपने जिंदगी में कभी, पढ़ा आपने पार्टी का प्रवक्ता, जवाब दीजिए जो सवाल पूछा, साबित हुआ है, इरिटेट क्यों हो रहा है, साबित हुआ है तो भड़क क्यों रहे, समझ नहीं आ रहा है, ये भड़क क्या, ये हिस्सा नहीं मिला क्या आपको, ये यही मैं भी तो कहूँ, महादेव आपका जो घोटाला हुआ इसका हिस्सा मिला नहीं शायद, भड़क हैं आप बहुत ज्यादा। अजय जी इनको चुप तो करवा लीजिए काइंडली, रजत जी काइंडली जरा म्यूट इनको भी करवा दीजिए। एक मिनट शिवम, एक बार उनको अपना पक्ष रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद सक्सेना जी भी हैं, उन्होंने भी टिप्पणी करी है, मुझे लगता है आपको बोलना होगा, और खान साहब पर जो टिप्पणी करी है उसे भी जवाब लेना है। कादियान साहब 40 वाइंड अप करिए। बीजेपी की अप्रोच हमेशा से ये रही है, जब पता है कि बात बन नहीं रही ना डिबेट में ना इलेक्शन में, तो दूसरे की छवि को खराब करने के लिए झूठ बोलते हैं, इंटरप्ट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लगा रहे हैं, देख रहा है। अब सुन लो मैंने आपको क्या बोला है, एलिगेशन का होना और किसका दोषी पाया, एक मिनट सुन लो ईडी किसको, आपको मैंने सवाल पूछा, डायरेक्टर है जो ईडी के डायरेक्टर है, ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन क्यों मिली बताइए,
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि इलीगल है, इनवैलिड है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ पर ये ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर पहुंच गए। कैसे मिली इसकी जवाब करो भाई। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, मैं उस सवाल पर आ रहा हूं। काजल जी, शिवम त्यागी एक बार अखिल खान साहब, खान साहब शिवम त्यागी कह रहे हैं कि जब मामला पहुंचा अरविंद केजरीवाल तक तो कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने कहा था कि मेन किंग पिन तो यही है अरविंद केजरीवाल। आप कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, खान साहब आपसे जो शिवम त्यागी ने कहा, आ रहा हूं मेरा जवाब ले लीजिए, एक मिनट मैं लास्ट 10 सेकंड ले रहा हूँ। इनके नेताओं ने कहा, जिनके दोहरे मापदंड और डबल स्टैंडर्ड जग जाहिर है, इन्होंने मुकुल रॉय आपको मौका दे रहा हूँ तो आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई और बोले। जो रिकंटेस्टिंग अखिल खान साहब, जो शिवम त्यागी ने बोला उसका एक बार जवाब दे दीजिए, मुझे जाना उसके सक्सेना जी के पास। ईडी की रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी? बोलो, हाँ बोलिए खान साहब, बोलिए। देखिए रजत जी, जो भी पिछले दिनों में जिस तरह की बातें हुई हैं उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं, तो जब सच सामने आता है तो सबको अपना एडजस्ट करना पड़ता है स्टेटमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कह दिया है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं है, वो ना सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाए, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाए, और अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोल दिया है कि ये इलीगल है जो नोटिस दिया हुआ है, और सब जानते हैं पूरे देश के अंदर कि इलीगल है ये षड्यंत्रकारी भाजपाई सिर्फ बोल रहे हैं आप, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जो ठीक है, जो सबसे बड़ी पॉइंट आप रख रहे हैं, उसके बाद की बेल नहीं हो पाई है, बेल नहीं हो पाई है खान साहब, पहले बात समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, कितने दिन हो गए मनीष सिसोदिया जेल में है, बताइए आप, बेल क्यों नहीं हो रही फिर जी? क्या बोला आपने, बेल क्यों नहीं हो रही? मान लीजिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन है, ये जजमेंट का पार्ट है, ये ऑब्जर्वेशन है। पीएमएलए का जो उन्होंने एंटर करवा दिया है ना, उसके अंदर जो है ना कुछ ऐसे ड्रेकोनियन प्रोविजंस हैं कि आप जो है उसको कोर्ट जो है नहीं दे सकता है, उसके खिलाफ भी कोर्ट ने बोला है कि पीएमएल के प्रोविजंस को ये गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर क्या पीएमएल का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष बार बार इस बात को कह रही है, ये जो पीएमएल कानून है इससे खिलवाड़ किया जा रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि विपक्ष को जो टारगेट कर रहा है वो सिर्फ ये पीएमएलए कर रहा है, जिसमें आदमी लंबे समय तक जेल में रहता है और उसके अंदर डिफेम होता है। एक मिनट, और ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का केस है, ठीक है, मैं पॉइंट ले लिया, सिर्फ छोटा सा रिप्लाई पीएमएलए पर, क्या पीएमएलए कानून का दुरुपयोग ये सरकार विपक्ष के खिलाफ कर रही है? शिवम त्यागी, आप कन्विक्शन रेट उठा लो, कन्विक्शन रेट से पता लग जाएगा। अखिल खान, सांस ले लो, खांसी आ गई आपको, दिल्ली को वैसे ही गैस चैम्बर बना रखा है, मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो, कोई चुप हो जाओ, पानी पी लो, वैसे ही बहुत बुरी पोल्यूशन हद से ज्यादा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक तो इनको जीरो अंडरस्टैंडिंग है, ये कहते हैं कि पीएमएलए में कोर्ट बेल ही नहीं दे सकता, कोर्ट बेल नहीं देगा तो कौन देगा? अरविंद केजरीवाल बेल देंगे क्या? मनीष सिसोदिया को कैसी बेवकूफी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने? कैसे बोल दिया कि दो महीने का हो जाएगा? आप मेरा भाई, मैं इधर उधर नहीं भागता, क्यों दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं दाखिल किया? छह महीने हो रहे हैं, सात महीने हो रहे हैं। अखिल खान समझो पहले, कोर्ट कानून प्रोसीडिंग्स को समझो, थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। कोर्ट ने टिप्पणी की है, मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने कहा है दैट प्राइम ऑफिसर है तो वो है भाजपा, इट एस्टैब्लिशेस द 330 करोड़ रुपीस देश के लिए, और जो आपने बात करोड़ रुपए की मनी ट्रेल प्राइम ऑफिसर कोर्ट को दिखाई दी है, बेल डिनाई हुई है आपकी, झूठ बोल रहे हैं बैठकर। अब मैं बोलता, अब मैं बेल क्यों नहीं मिली उस पर बता रहा हूं तो कहीं और पहुंच गए। बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोर्ट को 338 करोड़ की प्राइम ऑफिसाई ट्रेल मिली है, जो आप वादे किए हैं। राजा साहब, बेल क्यों नहीं मिली? क्या पीएमएलए की वजह से बेल नहीं मिली? मनीष सिसोदिया ने 2 बार बेल फाइल की है, उन्होंने सबूत नहीं दिया, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की तबीयत का हवाला दिया है। साहब कन्विक्शन रेट उठा लीजिए, साहब कन्विक्शन रेट उठा लीजिए, शिवम कांग्रेस कह रही है कन्विक्शन रेट भी तो चेक कर लीजिए एक बार, ये इस तरह के एक्ट करने अपना रहे हैं। कन्विक्शन रेट जो है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जो केस इन्होंने दर्ज किए हैं गलत, उनमें कन्विक्शन रेट उठाएंगे, कन्विक्शन रेट भी उठाएंगे, कलेक्टेड अमाउंट भी उठाएंगे, फ्रेम्ड लोग भी उठाएंगे। ये जो 50-50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कुत्तों के लिए, जो फ्लैट मिल रहे हैं, थोड़ी कमी है, माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूँ। आज वक्त इतने की इजाजत देता है, देश के सवाल में आप सब मेहमान के रूप में आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज कोशिश थी समझने की, 7 तारीख को पहला फेज है छत्तीसगढ़ का, 2 फेज है 7 और 17, 5 तारीख को प्रचार खत्म होगा, और आज महादेव ऐप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।
क्या इम्पैक्ट करेगी चुनाव को, वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मुश्किल घड़ी भूपेश बघेल जी की। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए।